दोस्तों आज है मुहर्रम, सभी को पता होगा, सभी जानते हैं, हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाई भी जानते हैं। तो सबका तरीका दोस्तों अलग अलग भी होता है, हिसाब किताब अलग अलग होता है। मेरे हिसाब से मैंने जो हम जो मनाते हैं और हमने जो अपने अपने पेरेंट्स से अपनी मम्मी के यहाँ अपने देखते थे कि कैसे क्या करते थे, हम बचपन में कैसे करते थे, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यानी कि दोस्तों बचपन में हम क्या कहें, मैं यूपी से हूँ तो वहाँ पर सुना होगा आप किसी ने कि जिला बिजनौर की साइड में चांदपुर है, चांदपुर की साइड में एक बास्टा है। तो मेरा वहाँ का ननसाल था, वहीं के पास में एक था ही बास्टा है, वहाँ का ननसाल था और जो बास्टा है मेन उसमें बहुत ज्यादा सैयद थे। तो मेरी बुआ थी वहाँ पे, तो हम मेरी तहेरी चचेरी कजन बहुत सारी इकट्ठी होके और कजन भी बहन भी और भाई भी बहुत सारे हम इकट्ठा होके पैदल जाया करते थे मुहर्रम देखने के लिए। उस टाइम पे हमें पता नहीं था दोस्तों ऐसा कि नए नए कपड़े नहीं पहनने होते और नए नए, क्योंकि भाई पता नहीं, जो बताया ही नहीं किसी ने, है ना। तो नए नए कपड़े पहन के जाते थे और वहां पर मेला लगता था और वो जंजीरों का मातम होता था और वो सैयदनी जो होती थी वो भी मातम करते थे और वो क्या बोलते हैं उसको, मेरा ध्यान नहीं आ रहा, वो करते थे बैठ के सारे भाई मातम बोलते हैं और एक और क्या चीज बोलते हैं, मेरा ध्यान नहीं आ रहा, जो भी ठीक है, यानी कि जो वो मनाते हैं ठीक है वो करते थे। मेरा भी मेरा ध्यान में है, मैं लिख दूंगी इस पे कि क्या करते थे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हम जाते थे तो नए नए कपड़े पहनने में होते थे, जैसे वही कहते हैं ना कि जब इंसान को जानकारी नहीं होती या पेरेंट्स भी नहीं बताते या कोई नहीं बताते तो क्या पता, है ना। हम तो 12-13 साल के या 8-9 साल के ऐसे क्या पता था कि भाई मुहर्रम को नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, है ना। मुहर्रम एक बहुत ज्यादा दुख का दिन है हमारे लिए, शहादत का दिन, खुशी भी है कि शहादत मिली, अगर शहादत नहीं मिलती तो इस्लाम या हम तुम ईमान नहीं होता, नमाज नहीं होती, इस्लाम नहीं होता, है ना। उन्होंने इस्लाम को यानी कि मुकम्मल करा। तो दोस्तों यानी कि मैं सभी को बताना चाह रही हूँ, जो जिन लोगों को नहीं पता होता, हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाई भी हैं जिनको नहीं पता होता, और जो हमारे मुस्लिम बहन भाई भी हैं उनको, उनसे भी मैं बता रही हूँ कि भाई हम जो बचपन से हमारे यहाँ कैसे कैसे क्या करते हैं, और अब जो मुझे समझ आई है या मुझे अब जो पता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों हम तो चले जाते थे मुहर्रम देखने, सारे के सारे तहरे चचेरे भाई बहन मिलके, और कजन भी और सगे बहन भाई भी, सारे के सारे मिलके हम चले जाते थे अपने वहां पर बास्टे में मुहर्रम देखने के लिए। और हमारे वहां से ही हमारी मासी, हमारे पास में ही हमारी ननसाल था, वहां से मासी वासे नानी सब कुछ मिल जाते थे वहां पे, और वो हमें क्या कहते हैं हाथ पकड़ो रहती थी क्योंकि भीड़ बहुत हुआ करती थी। एक बार मेरा भाई गुम भी हो गया था तो मेरी खाला मेरी मासी इतनी रोई मार के सारे में भगी फिरी पूरी भीड़ को चीज लिया। यानी कि मैं जब से जानती हूँ कि मासी आ गई, मैं माँ जैसी होती है। और दोस्तों वो हमें जैसे क्या क्या लेके खिलाती थी, उस जमाने में वहां पर वो बनते थे जो आज तक मुझे याद आते हैं और मुझे नाम नहीं पता, कि बेसन के एकदम पतले से चिल्ला समझ लो ऐसा कुछ टाइप का होता था, और ऐसी अच्छी सी चीजें बिकती थी, वो खाते थे और हम मुहर्रम देखते थे। तो वो जो सैयदनी जो होती थी ना दोस्तों, जो वहां पर मातम करती थी या मातमी, मैं लिख दूंगी ना, मैंने बता दिया, तो दोस्तों वो गाली दिया करती थी जो बतरी, क्योंकि हम तो बच्चे थे, और औरतें भी जो होती थी जो सुन्नी होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मुहर्रम जो मातम करते हैं ना ये सिया होते हैं हमारे, है ना। तो सिया जो लेडीज लड़कियां जो होती थी वो ना, वो सारे सब काले काले कपड़े पहन के, सबके उनके काले कपड़े होते थे, उनके हाथों वातों में सारा कुछ भी नहीं, सब चीज निकाल देते हैं दोस्तों, वो नाज में कान में से सब चीज, कोई भी चीज किसी चीज में नहीं होता उनके, सिर्फ काले कपड़े होते हैं, और मातम ही यानी कि जैसे हिंदी में शोक कहते हैं वो करते हैं। और जो सुन्नी होते हैं जो बेवकूफ, मैं ये नहीं कहूंगी, पर यार ये सोचो ना कि देखो वो थे तो हमारे जो नबी के जो नवासे हैं, नबी के जो हसन हुसैन अली, ये नबी के दामाद और उनके जो नवासे हैं, उनकी जो आल है तो समझ सकते हो ना आपके, तुम आप इतना सा समझ लो आप, इतना मतलब इससे आप लॉजिक, मतलब इससे आप ये दिमाग में, मतलब कि आप ये हिसाब लगा सकते हो कि मान लो जैसे मैं हूँ और मेरी जो बेटी है, ठीक है, तो मेरी बेटी के जो बच्चे होंगे, मैं मुझे लगता है कि यह मेरा बेटा है, मेरे बेटे के जो बच्चे होंगे मैं उन्हें, मतलब ये कहावत में भी है ना, लोगों से सुनते भी है ना, है ना, अभी तो उन्हें कहते हैं ना कि सूद से ज्यादा मूल को इंसान प्यार करता है, ज्यादा मूल को पसंद करता है सूद से ज्यादा, है ना।
तो ये बात बिल्कुल सही है ना दोस्तों। तो ये समझ सकते हो ना आप सभी के जो नबी के जो नमाज़े हैं वो भी तो बहुत ज्यादा प्यारे हैं हम सभी के लिए। उन्हीं के सदमे उन्हीं के सदके का हम तुम सभी खा रहे हैं ना, उन्हीं के सदके में खा रहे हैं हम सब, है ना। तो दोस्तों तो भाई अपनी अपनी सोच होती है। मेरा मानना ये है कि सुन्नियों को भी थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि भाई अपना अपना हिसाब किताब है, उनका अलग तरीका है मानने का। तो तुम वो नहीं कर सकते किसी पर भी, किसी कोई चीज को थोप नहीं सकते। वो चीज ये कुछ भी मानने का करने का अल्लाह को अपना अपने सबका अलग अलग तरीका होता है। किसी को तुम आजकल तो तुम अपने बच्चों से अपनी मर्जी से काम नहीं करवा सकते थप्पड़ मार के, तो तुम दूसरों से किसी से कुछ भी कैसे करवा सकते हो कि इस काम को ऐसे कर या वैसे कर, है ना, है ना। तो दोस्तों ये कह रही हूँ, ये ही चलाई आ रही है, एक दूसरे में दुश्मनी है जो भी चली आ रही है, तो वो छोड़ो वो तो अलग बात होगी। मैं ये कह रही हूँ कि हम कैसे करते थे, तो जैसे हम वहां पर वो देखने चले जाते थे, हम तो मेला ही समझते थे, ठीक है। बहुत ही मैं करी दोस्तों सिया सैयद, इतने सुंदर सुंदर बंदे, इतने सुंदर सुंदर लड़के, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां, गोरी चिट्टी दूध जैसी, मलाई मक्खन जैसे, काले काले उनके कपड़े, और ऐसे इतना वो जंजीरों से खून निकलता था, और ऊपर से दोस्तों पता क्या डालते थे, रुआफजल, पता नहीं क्या कुछ, गुलाब जल डालते थे सारा ऐसे करके। हम पूरा ये हम आज तक याद है, कितने सालों पुरानी बात है ना। तो दोस्तों उसके बाद हम जब क्या कहें, और हाँ जब हम पता क्या, जब सुबह हम जाते थे शाम को यानी कि 2 बजे निकल जाते थे घर से, ठीक है, दिन में 2 बजे, और वहां पहुंच जाते थे 2-3 घंटे, 2 घंटे में पैदल पहुंच जाते थे, इतनी दूर का रास्ता था, है ना, भगे चले जाते थे। उस जमाने में कोई डरवर भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था भाई, समझ गए, वो जमाना है तो अलग ही था। तो दोस्तों आप समझ सकते हो उस जमाने में हमें मुहर्रम के दिन भी 5-5 रुपए मिलते थे घर से, 5 रुपए मेरी माँ देती थी और 5 रुपए मेरे पापा देते थे, समझ सकते हो। 10 रुपए भी उस जमाने में आज के 200 रुपए के बराबर है, समझ गए, बल्कि ज्यादा की बराबर है 10 रुपए भी उस जमाने में। तो दोस्तों जब हम 2 बजे निकलते थे ना, 2 बजे से पहले हम क्या करते थे, यानी कि रात को हमारी माँ सारी रात, यानी कि वो जो हलीम बोलते हैं ना सब जगह, हलीम वहां पर घाटा बोलते हैं उस चीज को, समझ गए, घाटा। मुहर्रम से एक दिन पहले गेहूं कूटती थी कूट के अच्छे से कूटते रहते थे, और उसकी जो बिल्कुल ग्री निकल आती गेहूं की कूटते उसे फिर धोते थे, उसमें बहुत सारी उसमें दालें, सारी की सारी जितनी भी दालें होती है ना, 5 से 7 दालें, सारी दालें मिला के उसमें, और चावल मिला के थोड़े से, और वो और कई उसमें भी मीट वगैरह भी डाल लेते हैं ना, ज्यादातर मीट डालते हैं, वो बनाते थे, उसको कहते थे घाटा, घाटा जो हमें खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, समझ गए, मुझे मतलब मुझे पसंद नहीं है, बहुत से लोगों को इतना पसंद है, मार गए हाय मार के घाटे की वजह से, घाटे के मारे मरे जाते हैं, यानी कि हलीम बोलते हैं सब जगह, पर हमारे गांव में उसको घाटा बोलते थे, और कई लोग खिचड़ा बोल देते थे। तो वहां पे सभी कुछ, कोई खिचड़ी भी बना लेते थे, जो घाटा नहीं बनाते थे वो खिचड़ी भी, जैसे कि मैं पसंद नहीं करती थी घाटा, तो क्या कहें, मैं बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खिचड़ी बना लेते थे, पुलाव बना लेते थे, और आजकल तो जने क्या क्या भाई बिरयानी कोरमे ये वो, भाई मैं कह रही ऐसा नहीं बनाना चाहिए। आप कुछ समझ सकते हो, आप कुछ समझो कि देखो किसी के घर में कोई अगर क्या कहें वो हुई हो, है ना, डेथ हुई हो, तो उस घर में क्या खाने बनेंगे, नहीं बनेंगे ना, है ना। और वो तो पूरे इस्लाम के वो थे, वो तो सभी के वो थे ना। तो दोस्तों और हाँ दोस्तों, जो बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं मेरा ध्यान नहीं रहा, जो सबसे पहले मुझे आपको बताना चाहिए था वो बता दूं कि क्या करते थे मुहर्रम के महीने में, मुहर्रम से एक महीना पहले से, जब से चांद वो हो जाता था, चांद देखने के बाद, मतलब चांद से ही होता है ना, चांद देखने के बाद मुहर्रम के दिन जो लगते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब से सबके घरों में कुरान खानी होती थी, कुरान खानी करते थे, और हमारे यहाँ कोई मदरसा नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, तो सब जो मिलकर लड़कियां, जैसे मेरे जैसी सब लड़की बच्चे सभी अपने सारों के, यानी कि इतने बच्चे कहाँ से आएंगे, तो आज उसके घर में ऐसे ऐसे रहता था कि भाई अब क्योंकि भाई थे तो वही मिले जुले बच्चे, कहीं बाहर से तो लाने नहीं थे, वही बच्चे थे सारे, वही थे बंदे पढ़ने वाले, तो ऐसे पूरी मतलब कि जिन बच्चों की कुरान, जिनसे कुरान खानी करवाते थे उन बच्चों को खाना भी खिलाते थे। एक तो ये काम करते थे सब हमारी माए जो करती थी, है ना। और एक दोस्तों ये करती थी उसी मुहर्रम के महीने में, हमारे गाँव के पास जो मैंने बताया ना कि चांदपुर है ना, चांदपुर थोड़ा दूर है, ठीक है, थोड़ा कस्बा है वो, तो वहां से दोस्तों 11 या 7 फकीर जितने भी मिल जाते थे, 11 या 7 या 5,
ठीक है, इतने फकीरों को घर पे खाना खिलाते थे, बना के स्पेशल कुछ भी अच्छी चीज बनाओ और उन्हें खिलाना था। तो दोस्तों मोहर्रमों में हमने बचपन में ये देखा, ये करती थी हमारी माए, हमारे घरों पर हमारे गांव में ऐसे होता था, ऐसे मनाते थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आगे, मैं आ गई दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली में दोस्तों कई सालों तक तो मुझे पता ही नहीं रहा कि मोहर्रम किस दिन थे और क्या है, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी लाइफ थी और बिजी बहुत थी, और कुछ ऐसी लाइफ थी कि मैं बड़ी टेंशन से, मैं कुछ था घर का चक्कर, ठीक है, मतलब कि था घर, है ना, मैं काम में लगी रहती थी, बुटीक चलाती थी मैं, ठीक है। तो कई बार तो ऐसा होता था कि मोहर्रम का या सबे बरात का पता भी नहीं चलता था, क्योंकि थोड़ा हस्बैंड। तो दोस्तों उसके बाद जब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ मेरे को, थोड़ा सा मेरे घर में सब कुछ नॉर्मल हुआ और मैं थोड़ा सा अपने आप इंडिपेंडेंट होने लगी और थोड़ा सा मुझे जानकारी ये मिलने लगी सोशल मीडिया से, आप समझ गए। तो आप समझ ही सकते हो, सात आठ साल ही हुए हैं सोशल मीडिया को ज्यादातर, है ना, 5-7 साल ही हुए हैं। तो 5-7 साल 6-7 सालों से ही सोशल मीडिया पर सब एक्टिव है, तो इसी पे जब से ही सब देख लेते हैं, पता लगता ज्यादा नॉलेज मिलती है। यानी कि दोस्तों अब जो हम वो करते हैं, यानी कि मैंने आज जो है मैंने मीठे चावल बनाए हैं, यानी कि उसको बोलते हैं जर्दा, ठीक है। जर्दा होता है दोस्तों, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट, मैं जो बनाती हूँ बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाल के। और उससे पहले ये बता दूं दोस्तों कि मैंने क्या कैसे इस बार मैंने क्या कैसे बनाती हूँ, यानी कि मैं किसी को सदके के लिए भेज देती हूँ, ठीक है। ऐसे हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे हैं मेरे पास जिनको मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ, हमारे आसपास कम है पर हम दूर है कहीं, पता निकाल लेते हैं। सदका जो देना चाहिए दोस्तों वो बहुत अच्छे से सर्च करके देना चाहिए, जिसे जरूरत हो, नीडेड हो जो बंदा, ठीक है, ऐसा बंदा पता करना चाहिए और फिर भिजवाना चाहिए, चाहे वो दूर हो या पास में हो। तो मैं ऐसे भिजवा देती हूँ, ठीक है। वैसे कहते हैं सदका ऐसा बताना नहीं चाहिए, इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कभी भी, पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि मैं ऐसे करती हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ भी थोड़ा सा दूर है, हमारे उसमें नहीं, हमारे एरिया में नहीं, हमारे एरिया बहुत बढ़िया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, मतलब पॉज एरिया थोड़ा सा, मतलब कि ठीक है माशाल्लाह। तो दोस्तों उससे थोड़ा सा दूर है जहाँ पर हम, मैं चिकन विकन या मटन लेने जाती हूँ, वहां पर एक मदरसा है, ठीक है। तो वहां पर बच्चे हैं, तो मैं उन बच्चों को फ्रूट लेके दे आई हूँ, ठीक है, खाने के लिए फ्रूट। अब कितने और कैसे क्या, जितनी अपनी वो होती है मैं उनको दे आई हूँ, ठीक है। तो ये भी मनाना, ये मोहर्रम में आ रहा दोस्तों, ये त्योहार में आ रहा इसमें, कि ऐसे मनाना चाहिए, ऐसे मनाया मैंने, ऐसे मनाया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यानी ये नहाना चाहिए, नहाना तो साफ सुथरा तो रहना चाहिए, बढ़िया, है ना। सारे दिन आप तस्बीह पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ते रहो, नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ी, वो तो रोज की पढ़नी होती है, ठीक है। और दुआ थोड़ी सी एक्स्ट्रा करो, ठीक है, अपने नबी की जो आल है, उनकी जो उम्मत है, आल है जो आज मेरे हमारे हसन हुसैन जो है उनके लिए, सभी के लिए क्या मैं ज्यादा दुआ करो, एक्स्ट्रा दुआ मांगो और उनके सदके में मांगो और उनसे अल्लाह से रिक्वेस्ट करो, ठीक है, यही है, ठीक है। तो ये सब कुछ करो, उनके लिए तस्बीह पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, नमाजें पढ़ो, तो ये करना चाहिए। मतलब मैं अपना बता रही हूँ, अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं ऐसे मना रही हूँ, मैंने ये करा है और ये कर रही हूँ, ठीक है। आपका सबका अपना नजरिया, सोच सबका अलग अलग है, आपका अपना हिसाब अलग है। मैं सच में कह रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं अपनी बात किसी पे थोपनी भी नहीं चाहिए कि भाई तुम जैसे मैंने करा वैसे, अपने अपने हिसाब से करो। कि आप जो मैंने करा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा कैसा सही है या नहीं है, जो भी है बता सकते हो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हाँ मेन अब मतलब के मैंने बनाया जर्दा। अब जर्दा सभी मुस्लिम तो सभी जानते हैं, नॉन मुस्लिम जो बहन भाई है उनको मैं बता दूं, जर्दा होता है, जर्दे का नाम होता है, जैसे कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया वाले चावल, उनको अच्छे से वॉश करके और भे के रख दो, ठीक है, जितने भी अपने हिसाब से बना लो, और उसमें बराबर का ड्राई फ्रूट, ठीक है, अगर आधा किलो चावल है तो आधा किलो ही सही, ज्यादा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट होना चाहिए, और एक पाव या आधा किलो उसमें खोया भी डाल सकते हो दोस्तों, और कम से कम 100 ग्राम देसी घी भी होना चाहिए, ठीक है। मैं बनावा उसको दिखा दूंगी आपको, बिल्कुल बनावा इसी वीडियो में मैं दिखा दूंगी, ठीक है। बाकी मैं ये मेरी कोई रेसिपी नहीं है, ये मेरा व्लॉग है, ठीक है। तो व्लॉग में तो क्या रेसिपी बना के, वैसे मैं बना हुआ दिखा दूंगी आपको, ठीक है। इस तरह से उसको बोलते हैं दोस्तों जर्दा, ठीक है, क्योंकि रेसिपी कभी पूछनी हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगी, ठीक है, पूरे का पूरा कि कैसे बनाया, कैसे क्या करा, ठीक है। तो दोस्तों वो बनाया, और हमारे अगर आपके आस पास कहीं भी कोई गरीब है तो उसको देख के आ सकते हो, सबसे पहले उसको दे आओ, ठीक है।
प्लेट कटोरियों में करके एक दो जगह अगर दे देते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। हमारे यहाँ कोई ऐसे है नहीं, है ना। तो दोस्तों बस उसको हम ही घर में खा लेंगे, ठीक है। और दरूद का तो अभी मैंने कुछ पूरा ऐसा कन्फर्म नहीं है कि दरूद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। वैसे हमारे घर में देते नहीं है, पता नहीं, ठीक है। बस मैं तो हम तो बिस्मिल्ला पढ़ के और बिस्मिल्ला अऊज़ुबिल्ला ये पढ़ के खा लेते हैं, ठीक है, तो सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों बस ये है मेरा बचपन से लेके अब तक का मुहर्रम का मेरा अपना एक्सपीरियंस। और जहाँ पर हम अब रहते हैं दिल्ली में, जिस एरिया में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक भी कहीं कोई जुलूस नहीं मुहर्रम का कोई देखने को मिलता, ना ही कोई मातम मिलता देखने के लिए, ना ही कुछ ऐसा हमें मुस्लिम कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता। और जो मेरे इसमें मुस्लिम बहन भाई हैं वो ये ना कह दें कि जब भी तो तू ये वो, ऐसा ना कह दें, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम दूसरे अपने उसमें रहते हैं, हम यानी कि एक ओपोजिटिव रहते हैं ना, ओपोजिट रहते हैं ना दोस्तों, जब हमें जबकि बल्कि हम आपसे मतलब हम उस जगह से ज्यादा अपनी इबादत करते हैं और उस जगह से ज्यादा हम अच्छा याद करते हैं अपने अल्लाह को, अपने रब को, ठीक है। तो ये कहने की गलत बात है कि हम जैसे उसमें रहता हर इंसान सब अपने अपने उसको उनको देख के हम अच्छा करते हैं, हमको देख के वो अच्छा करते हैं ना सब। तो अपना अपना सबका वो है। और सब ही मैं कह रही हूँ कि हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाई जो है हमारे यहाँ, तो जहाँ रहते हैं, मैं बचपन से मैं वहां पर भी जहाँ मेरे एरिया मेरे गांव था वहां पर भी हमारे चारों तरफ ऐसे थे, ये थे सब, इतने बढ़िया थे, इतनी बढ़िया फ्रेंड थी कि हम एक साथ खाते थे। और यहाँ पर भी इतने बढ़िया, इतने प्यार है सब में आपस में बहुत ज्यादा, बस ऐसे ही बना रहे हमारे हिंदुस्तान में, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये था व्लॉग है मेरा, सारा मेरा एक्सपीरियंस था मुहर्रम का, कैसा लगा आप सभी जरूर बताना मुझे कमेंट करके। अगर ये जानकारी वीडियो मेरी ये कैसी लगी आप सभी को ये भी बताना, बता देना। और वीडियो को पूरा देखा करो दोस्तों। और मेरे पीछे मैंने ईद की भी बनाई थी, ईद का भी बताया था, उसका लिंक मैं दे दूंगी इसी वीडियो में, तो उसको भी जाके सुन लेना। मैंने बताया था अपने बारे में, यही होता है दोस्तों कि अपना एक्सपीरियंस किसी का कैसा क्या है, कुछ ना कुछ तो सीखने को या उसका मिलता ही है कि किसी का कैसा, किसने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी काटी है, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना, ठीक है। और अपने अपनों के साथ शेयर भी कर देना है। और मुझे अगर मैं अच्छी लगती हूँ तो आपको भी वीडियो का अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बता भी देना कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर ले, और वहाँ फॉलो करने के बाद मुझे वहाँ पर पर्सनल पूछ भी सकते हो मैसेज में, ठीक है, जाके हमारे इनबॉक्स में। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू सो मच है।